अब जो बीजेपी का सो जो सपोर्ट बेस है वो कमज़ोर हो रहा है तो वो उस टुटे जा रहे वीर वोट बैंक में फट निकल जा रहे अपने ना रखना चाहती है। एक तो यह लड़ाई है जो पोलिटिकल एजेंडा आप कह सकते हैं, पर सवाल पैदा होता है कि सिखा का पोलिटिकल एजेंडा की है। एक पाए तो असं घेरे हुए हैं, जो तो 25 धारा थोड़ा 20 तो धार्मिक आजादी तो दिता है फंडामेंटल राइट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ही थोड़ा वीक करते थोड़ी जी होंद है। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के चार धर्म जोड़े ने उत्थे पैदा हुए, हिंदू सिख जे जैन तो बोधी। हूँ जैन तो बोधी के पोलिटिकल होंद है ही नहीं जी, उदों जो मर्जी कर लो वो तो अपने सम्मिलित कर चुके हैं भावें वक्रा धर्म है, पर सिख इस नहीं बर्दाश्त कर सकते। सिखा ने एक बड़ी समस्या ये आ गई है जी कि अज तक 1955 तो लैके 47 तो लैके इस कानूनों के तहत साडा सारा चल रहा है। अज साडे वास्ते एक बड़ी चुनौती आ गई है जिहड़ी कि नहीं साडे सिख दा सिख आगू समझ रहे, चाहे वह खालिस्तान ही लड़ते हैं चाहे वह अपने किसी लिए लड़ते हैं अकाली वल लड़ते हैं, भी ये साडी जी होंद है इस होंद लई लड़ी असी। असी नारे मार मार के अपना पोलिटिकल एजेंडा कि उन्होंने खिलारिया होया। सो मैं समझता कि इसलिए जिते बीजेपी चुनौती है उस वास्ते जी आम आदमी पार्टी भी इसकी सपोर्ट कर रही है वो चुनौती हो गई है। शिवसेना जी रीजनल पार्टी है उन्होंने इसकी सपोर्ट करती है, लेकिन जी दूजिया पार्टीज ने वो भी इस पासों अजे चुप ने। इस वास्ते अगर आने वाले जो कानून आता है जो कहो ला कमीशन ने पहला कहता जी कोई लोड़ नहीं। तुसीं अकाली दल नूं पार्टी नूं गिणिया नहीं है क्यों मैं आना थोड़े को। देखो भाई साहब अकाली दल की जितक स्थिति है ना जी, अकाली दल अपने आप को जिस तरीके 215 दी बेअदबियां घटनावां जां होर गवर्नेंस नाल मूल मुद्दे जुड़े हुए सारे करके स्पष्ट है कि पहला तो 17 च हार गया, 15 सीटां फिर 22 च हार गया, एम पी सीटां सुबड़ के रह गया, तो साड़ी वोट बैंक इन्हां दी बहुत घट गई है। मतलब थ्रैशोल्ड तो थले आ गई जिस थ्रैशोल्ड तो जाके वोटा बन सकते हो सत्ता जा सकते हो। अकाली दल जी है ना जी ये मैं समझदा कि इस ढंग जिहड़ा काम करना चाहिए सीगा ना जी वो नहीं कर रहे। देखो हर पोलीटिकल पार्टी जो पहला क्या है कि एजेंडा होंगे उन्हें वो मुताबिक अगर लोगों जाना होंगे लोगों ना रखे, क्योंकि डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी के लोग ताकत ने जो लोग ताकत देंगे ने अकाली दल 85 जो दिता वो 90 सीटा जिता दी, फिर 97 ताकत दी, फिर इन्होंने 2007 च 2014-12 दी ताकत ताकत देंदे लोग। पर सवाल है भी कारण की है अकाली दल जी मेन पार्टी जी सत्ता जा रही आने वास्ते दावा करती है वह वोट बैंक कितने गया? वोट बैंक आम आदमी पार्टी कांग्रेस के होर पास खिंडर गया ना जी। पर सवाल है भी अकाली दल जिहड़ा इस वेले अपने डेमोक्रेटिक वे सत्ता जाण वास्ते पोलिटिकल एजेंडा कित्थे आउंदा? सो जो बीजेपी पोलिटिकल एजेंडा अगे वधा रही है तो साडा पोलिटिकल एजेंडा अनफिनिश एजेंडा जिहड़ा मान लो इस तरह अगे ना जाओ अनफिनिश एजेंडा साडा चंडीगढ़ है, पानी का मसला है चंडीगढ़ किवें लैणा पंजाबी बोलदे इलाके का मुद्दा हैगा, और ये जिहड़ा आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन फैडरल स्ट्रक्चर हिंदुस्तान के फैडरल स्ट्रक्चर जिहड़ा कन्फैडरल स्ट्रक्चर मैं इसनूं बना जाना चाहुंदा उसनों पूरा करने वास्ते, क्योंकि ये जिहड़ा बीजेपी का जिहड़ा सारा काम है ना जी ये थोड़ी फैडरल स्ट्रक्चर नूं तोड़दा है ना जी। हिंदू सूबिया की जी सूबाइयत है जो जी रीजनलिज्म है वह खत्म करो, एक नेशन बनाओ, वन नेशन वन ला नेशन बारे मैं समझता कि इस बारे इस तरह नहीं मनते मजे नेशन नहीं तो वक्री कौम आ हिंदुस्तान हिंदू मन लवे, पर जो असं वक्री नेशन के नाल 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 असी अपने तौर पर एक सूबाई ताकत भी फाकड़नी है तो साढ़े सूबाई मुद्दे कितने गए हैं? पिछले 50 साल के हिंदुस्तान की जी पंजाब की जी रीजनल पार्टी है देश जी इन्हें बहुत नुकसान करता है, सानू नहीं समझ लग रही जी खालिस्तान भी लड़ते आए ने लड़ते आते हैं उन्होंने वास्ते एक बड़ा चा बड़ा एक तरह बड़ा कह सकते हैं कि बड़ा चैलेंज है कि जो तुम एक वक्री स्टेट बनाने की गल करते हो हिंदुस्तान अकाली दल छड़ गया मैनू रोस जरा ना जी इस जिस अकाली की गल करते दूसरे भी गल करते हो अकाल तख्त जथेदार साहबान से बड़ा रोस है जिहड़े आउंदे रहे ने और कुछ नहीं किया उन्होंने जी उन्होंने बारे सोचा तक नहीं ना उनकी सोच है ना उनका विजन है ना उनका पद्धर है। मतलब तुम मतलब चलो चलते मैं गल दसदा भी जो हुण जथेदार लगाए ने वो जथेदार स्थाई कित्थे ने भी तो कार्यकारी ने कार्यकारी तो थले जे कार्य टर्मे तो भी लख लो तो जिहड़ा भाई सुल्तान सिंह है वह भी तो ग्रंथी ने ना जी दरबार साहब तो छड़ के क्यों नहीं आए ज्ञानी रघुवीर सिंह भी ग्रंथी सिंह ने दरबार साहब के वो कार्य स्थाई जथेदार कितने ने
सो मैं समझता कि यह सारी समस्यावान ने जिड़िया कि साढ़े पिछले 50 साल च नहीं एड्रैस हुई हैं। इस वे जो पोलीटल एजेंडा वो अपनी सत्ता च आने वास्ते सत्ता च रह के उसको लागू करना चाहते हैं तो पंजाब की जी रीजनल पार्टी अकाली दल रही है वो की कर रही है। दिस इज़ माई बिग क्वेश्चन। उन्होंने कोई प्रतिक्रम दिता ये बारे? प्रतिक्रम दिता उन्होंने, प्रतिक्रम भी दिता असं इन रद्द कर रहे हैं। साड़ी रहत मर्यादा है धामी साहब ने किया, साढ़े अपने को सवाल है भी नहीं धामी साहब ने तो किया नहीं अपने इन्होंने अकाली दल वालों कोई उन्होंने आया हो नहीं दलजीत सिंह चीमा ने बयान दिता जी भी असं रद्द करते हैं सू इसके खिलाफ हाँ। पर मेरा फिर सवाल इतने पैदा होता कि अज जो इन एक पास रद्द करते हैं एक पास तो हिंदू राष्ट्र लियाने वास्ते कुछ कोशिश कर रही भाई बीजेपी RSS दूसरे पास जो तुम पोलीटिकली उन्होंने पहला समझौता करते करके रख्या ना सत्ता बाणी अज जो वखरे हुए हो अज कोई तरलो मरछी हो रही समझौता करने वास्ते देखो कोई बयान आता है जिम्मे कासिम बादल की मौत हुई सारे आए ये सोचा बीजेपी समझौता बल बल हो गया समझौता उन्होंने इनकार करता किस तरह जलील किया और इन राही सिख पंथ जलील किया सिखों भी थोड़े ना सा कोई समझौता नहीं हो सकता असं अपने तौर से हिंदू पंजाब चोणा लड़ा गए हूँ जो ये राजनाथ सिंह ने बयान दिता तो राजनाथ सिंह के बयान में इन्होंने इस तरीके इंटरप्रेट कर लिया कि यह 9 मार्च का रिश्ता दोबारा जुड़न जा रहा अभी फिर आवेंगे किड़े मूह ना तुम जाओगे हिंदू राष्ट्रवादी जो कि वह मूल तौर पर सिख सिद्धांतों के उल्ट ने किड़े मूह ना जाओगे तुम उन्होंने समझौता करोगे जेडे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लिया के थोड़ी होंद नहीं मनते पहले होंद लड़ाई तो लड़ रो पहले 25 तारा जी तो प्रकाश सिंह बादल ने एक बार गिरफ्तारी की कितने गया तो इसमें मैं अनफिनिश एजेंडा कहना जो धर्म युद्ध मोर्चा लड़िया गया जो सारी कुर्बानियां हुई जो दूजिया धिर ने संघर्षी धिर ने कुर्बानियां की जहाँ कष्ट कितने वो एजेंडा कितने है वो अनफिनिश्ड है वो पूरा नहीं होया वो क्लोजर नहीं होया जब तक क्लोजर नहीं होगा तब तक अगर नहीं बच सकते। सो मैं समझता कि साड़ा सिख पंथ जी साड़ी राजनीतिक राजनीति है ये भंवर जाल च फसी मौका प्रस्त है और ये मैं समझता कि मैं गल वी थोड़ी कहने लगा कि इसलिए जोड़ा सारा गुरसुखबीर सिंह बादल है पहला प्रकाश सिंह बादल तो हूँ सुखबीर सिंह बादल डरपोक ने इन्होंने उस अपने डरपोक बुने कौम डरपोक बना रहे हैं भी कौम भी साड़ी सिर सिट के साड़ी गल मनी जाए असी जो मर्जी करिए इस तरह मतलब जो मर्जी समझौता करिए मर्जी अपने पंथ में किने संभालना पंथक वोट बैंक कितने है वो तो बेचारा रुल गया पंथक वोट बैंक पिछले 40-50 साल तो या 30 साल तो जब कह पिछले 20वीं सदी तो जब शुरू 21वीं सदी शुरू हुई है पंथक वोट तो रुल गया ना जी कभी कांग्रेस वाले वेखता वो एंटी बादल तो है ने एंटी बादल तो बदल नहीं भी निकलिया पंथ विचों बदल नहीं उभर सकिया खालिस्तानी 13 भी नहीं दे सकिया वो भी मतलब दो बीड़ी सवार ने ना खालिस्तानी मूवमेंट का मूँह सिरा बना सके ने ना लीडरशिप इमर्ज करा सके ने ते ना खालिस्तान बारे दस सके ने क्योंकि मूल मुद्दा देखो भावें खालिस्तान सारा जा खालिस्तान चाहे जो मर्जी कह लो वह गुरदेव सिंह जी मुद्दा तो लोगों के नाल जुड़ना है ना लोगों के मुद्दे हल लेने ने वो लोग मुद्दे क्यों नहीं लेंदे वो पंजाब के मुद्दे क्यों नहीं लेंदे वो भी इसलिए मेरे दुख होंगे कि 50 साल 40 साल के 84 तो बाद तो एक नारे की पोलिटिक्स चलाते हैं जो कि घटना वापरती है जो होर हों को मौत होंगी है जो मार दिता जाना शहीद हो जाए फिर असं आ जाने सड़कों पर वह भी बजवा साड़ा बड़ा एक पुतला जहा जा हल्का जहा प्रतिक्रम हों 150-200 बंदा लिया के अपने इतने तक आ गई सारी मूवमेंट। सो मैं समझता कि खालिस्तान धिर वास्ते भी एक चुनौती है ये जरा हिंदुस्तान की एक सार्थ किया जा रहा साड़ी होंद लड़ाई बड़ी इंपोर्टेंट है वो वास्ते असी पहला ही लड़ते आ रहे हैं उसको पहल कर देनी चाहिए। मैं एक गल विच जोड़ा तुहाडे नाल तुसीं कहदे अकाली वोट बैंक कित्थे है मैं तुहाडी जिहड़ी गल विच ऐड करां क्योंकि आपां मिलदे रहिंदे आ जिद्दां तुहानूं तुहाडे कोल है जिहड़े अकाली वोट बैंक जां पंथक वोट बैंक जिहड़ा कह रहे हो तुसीं उह मैं भी कहिंदे ना तुसीं एंटी बादल तो हैगा जी किदां गल गई मैं तुहानूं रीयल जिहड़ी इक मेरी हैगी उह कह रहे आ बंदे कह रहे भी साड़ा असी ना तो सिर दे वाल तो लैके ने पैर दे नौ तक अकाली हाँ पर कहिंदे अकालियां दी वोट की नहीं गई हैगी उह पर एक दो बंदे जे अगे होए वोट फिर उत्थे 97 सीटां जिहड़ियां उत्थे पहुँच सकदी है पर गल है भी
ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਦਲ ਬਣਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜਿਹਦਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਆਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ UCC ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 21ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਹੁਣ 22ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਮੰਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ, ਕਿ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ BJP ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਗੂ ਲੋਲੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵਲ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ 2-4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਵਾਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਗਾਵਤ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਖੱਡਰਫੋਕ ਬਣਾਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਠਣ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਬਗਾਵਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਜੀ।